हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम फिटिंग वाली कटिंग करेंगे पैंट की, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं इसका नाप। इसकी जो लंबाई है वो 39 इंच है, कमर है वो 36 इंच है, हिप है वो 39 इंच है, थाई 24 इंच है, बॉटम 14 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को आप देख लीजिए उल्टा करके बिछा दिया है, और जो कन्नी है ना वो इस साइड में है। कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा कि हमें कपड़ा बिछाना सिखाएं, तो देखिए इस तरीके से हमें लंबाई में कपड़े को बिछाना होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से लगाएंगे एक निशान। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम एक लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से, 1 इंच लगा लेंगे इस निशान से ऊपर, और इसकी जो लंबाई है वो है 39 यानी 39 इंच। तो हम 39 इंच पे निशान लगा देंगे, 2.5 इंच लगाएंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर हम लटक की। लटक हमें किस हिसाब से निकालना होती है, तो दोस्तों लटक हम निकालते हैं हिप के अकॉर्डिंग, यानी कि हिप का 4 भाग करके हमें यहाँ पर एक हिस्सा लगाने था, एक हिस्सा निशान लगा देना होता है, ठीक है। तो इसकी जो हिप है वो है यहाँ पर 39 इंच यानी 39, ठीक है। तो हमें इसका 4 भाग करना है दोस्तों, कितना हो गया, 10.5 इंच, ठीक है। तो हमें 10.5 इंच पे निशान लगा देना है। 10.5 पे निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे पॉकेट का एक निशान, ठीक है, पॉकेट की लेंथ का। तो हमें 7.5 पर लगा देना है, और यहाँ से हमें 2.5 इंच इसका फैलाव रखना है। दोस्तों, हमने 7.5 पे जो निशान लगाया है ये वाला, वो हमें 7.5 मुँह नहीं रखना है पॉकेट का, ठीक है। ये हमें लंबाई का निशान लगाया है, और जो इसका पॉकेट का मुँह रखेंगे वो रखेंगे हम 6 इंच, बिल्कुल फिक्स रखेंगे। जो बीच का हिस्सा रखेंगे पॉकेट का वो 6 इंच रखेंगे। अब दोस्तों, हमने जो यहाँ पर 10.5 इंच पर लटक का निशान लगाया है, वहां लगाएंगे एक निशान इस तरीके से, और एक निशान लगाएंगे नीचे की साइड में इस प्रकार, और दूसरा लगाएंगे 2.5 इंच पर जो बॉटम में फोल्ड होता है। दोस्तों, बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं, जिससे आप यहां पर बहुत बेहतरीन कटिंग एक ही बार में कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो कमर है वो है 36 इंच, 36, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पर थाई, तो थाई का हमें निशान लगाना है। थाई है इसकी यहाँ पर 24 इंच, तो 24 का हम यहाँ पर करेंगे हाफ, ठीक है। तो हो गया कितना, 12 इंच। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 12 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, और 1.5 इंच लेंगे फलाई की गोलाई के लिए। 1.5 इंच लिया है हमने फलाई की गोलाई के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम स्केल फंटी लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा देंगे यहाँ पर ऊपर की साइड में राउंड, ज़्यादा राउंड नहीं देना है आपको, हल्का सा राउंड देना है, ठीक है। इस राउंड के बाद 1/2 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन, 36 का करेंगे 4 भाग, तो होता है 9 इंच। तो इस जो हमने सिलाई वाला मार्जिन लगाया है ये वाला, ठीक है, यहाँ से हम 9 इंच रखेंगे इस प्रकार, और एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम लेंगे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, हमें लेना है यहाँ पर स्केल, तो स्केल से इस तरीके से लगा देंगे एक निशान। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम देंगे गोलाई। गोलाई के बाद अब बात करते हैं फलाई हम कहाँ से अटैच करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमें यहाँ से यहाँ पर 2.25 इंच पे फलाई अटैच करना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम लेंगे 1/4 इंच, 1/4 इंच लेंगे यहाँ पर अपने सामने को डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ 1/4 इंच इस तरीके से सामने को डाउन किया। डाउन करने के बाद में जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है, यानी कि 24 इंच का हाफ करके 12 इंच, सेम तरीके से हमें यहाँ बॉटम पे लगाना होता है इस प्रकार, ठीक है, ये हम लगा देंगे। उसके बाद 12 का हाफ करेंगे 6 इंच, उसके बाद हम बॉटम है हमारा वो है 14 इंच, तो हम इस निशान से 3.5 इंच रखेंगे, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे 7 इंच पे। तो ये हो गया हमारा बॉटम 14 इंच, ठीक है। अब हमें लेना है स्केल, और इस तरीके से शेप फंटी लेना है। शेप फंटी के बाद हम इस प्रकार लगा देंगे एक निशान, हल्का सा क्रॉस करेंगे बॉटम पे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको रखेंगे, और यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारी पैंट कटिंग होने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर सामना कटिंग कर लिया है, सामने को उठा के रख देते हैं हम एक तरफ, और हाँ यहाँ पर हम अपना जो कपड़ा है ना ये वाला, इसको किस तरीके से बैक कटिंग करेंगे, ठीक है, जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है इसे कर देंगे इस तरीके से घुमा के नीचे, ठीक है। और नीचे करने के बाद अब यहाँ पर कपड़े को बिल्कुल एक सा कर लेंगे, कहीं आगा दोरा नहीं होना चाहिए आगे पीछे, और अपने सामने को यहाँ पर रख देंगे इस तरह। यहां से कम 4 इंच हटा दीजिए, ठीक है, और बाकी यह कपड़ा इधर बचा लीजिए, काम में आएगा आपके। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले नीचे की साइड में एक लगाना है निशान, लंबाई वाला जो होता है उस पर उसकी सीध में लगा देंगे, और दूसरा निशान लगाएंगे अपने लटक की सीध में, ठीक है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पर अपने हम सामने से बैक को कितना उठाएंगे, दोस्तों हम उठाएंगे यहाँ पर 1.25 इंच, और इस तरीके से इस जगह से स्केल को रखेंगे और सीधा निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद 1/2 इंच देंगे यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन, सिलाई मार्जिन देने के बाद में 36 करेंगे, 4 भाग होता है 9 इंच, ठीक है, 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। 1 इंच लेंगे पीछे जो प्लेट पड़ती है हमारी उसके लिए, और 2.5 इंच लेंगे जो हम सीट जुड़ाई करते हैं, ठीक है, जिसमें सीट कमर जोड़ते हैं, तुरपाई वगैरह होती है उसके लिए 2.5 इंच रखा जाता है। अब बात करें यहाँ पर हिप की, तो हमें इस लटक के बीच में एक निशान लगाना होता है मार्जिन का जो हम सिलाई लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी हिप है वो है 39 यानी 39 इंच, तो इसका करेंगे 4 भाग, और इस जो हम मार्जिन वाला निशान है यहाँ से नापेंगे, ठीक है, और उसके बाद लगा देंगे एक निशान, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे 1/2 इंच लूजिंग दे देंगे। उसके बाद अपने अपने सामने से बैग में हमें देना है फिटिंग की पैंट में 1.25 इंच, और नीचे की साइड में देना है, चाहे फिटिंग की हो, लूज हो, बच्चे की हो, बड़े की हो, कोई सी भी हो, आपको यहाँ हमेशा 1/2 इंच देना है, ठीक है। उसके बाद ये लेंगे हम स्केल और इस तरीके से लगाएंगे एक निशान, यहाँ करेंगे हल्का सा क्रास, और क्रास करने के बाद में जो ये मार्जिन है ना इसको आपको कटिंग नहीं करना है, इस तरीके से निशान लगा देना है, और निशान लगाने के बाद में अब जो हमने ये निशान लगाया था यहाँ पर भी एक निशान लगा देते हैं, और यहाँ पर दे देते हैं गोलाई। दोस्तों अब यहाँ पर हमें करना है कटिंग, तो कटिंग इस तरीके से यहाँ स्केल रखेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, ठीक है, इस निशान से करीब 1.25 इंच ऊपर ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट कटने के लिए है बिल्कुल रेडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में कटिंग आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, एक छोटा सा कट लगाना है यहाँ पर, दूसरा कट लगाएंगे यहाँ पर। हमारी यहाँ पर पैंट हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। दोस्तों आपको हमारी पैंट कटिंग करने का तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं, आपने कुछ सीखा हो तो भी हमें जरूर बताएं, आपकी कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।